हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। हम रात को जॉय बांग्लादेश पे जीत गए। जॉय बंगला जॉय। हाँ, तो खुशी मनानी चाहिए आप सबको भी, और हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, बल्कि पूरा सब कॉन्टिनेंट ही शायद सेलिब्रेट कर रहा हो जिस तरह की इनकी विक्ट्री रही है, बल्कि पूरी दुनिया से इनको अप्रिसिएशन मिली है। और बांग्लादेश ने क्या ही जबरदस्त आई थिंक फर्स्ट टाइम, विक्ट्री दी है। मतलब हम अपनी टीम को तो देखते ही हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बहुत सारे क्रिकेटर, मैं अपनी सिर्फ बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बहुत सारे पाकिस्तानी दूसरे फैंस की बात कर रहे हैं जिन्होंने मतलब लाइव भी देखा है और बाद में हाइलाइट्स को भी फॉलो प्रॉपर मतलब फॉलो हाँ, किया जा पूरे टेस्ट को देखा है कि कब बांग्लादेश की विक्ट्री। टेस्ट क्रिकेट है वेरी बेस्ट। कितने को तकरीबन साल डेढ़ साल से हम टेस्ट क्रिकेट को देख रहे हैं, और वनडे थोड़ा आजकल कम हो गया, लेकिन टेस्ट क्रिकेट जो है हर टेस्ट मजा क्रिकेट ज्यादा आया मैच टेस्ट है क्रिकेट का। उसी में आ रहा है। तो बांग्लादेश के लिए बहुत जबरदस्त जीत रही है, तो देखते हैं इन्होंने सेलिब्रेट कैसे किया। लास्ट स्टार्ट व्हिच इज पम्प्ड अप ब्रदर। यस, ऑल नाइट एंजॉय होगा इसको। फुटबॉल वाली फीलिंग आ रही है ऐसी सेलिब्रेशन में होती है। लवली 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 मोमेंट्स, और भाई इस तरह की सेलिब्रेशंस होनी चाहिए और हमारी टीम्स को बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पेशली जो इंडिया तो करता ही रहता है, लेकिन हम पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश को बड़ा कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो फॉरेन लैंड पे जाके ऐसी फिर सेलिब्रेशन। अभी दूसरे टेस्ट है, आई गेस 3-4 दिन है अभी। हाँ, दूसरे टेस्ट में विकेट भी ग्रीन होगी, पर बांग्लादेश तैयार होके आना। ये है कि वो फुल अपनी उस पे आएंगे। ये तो फ्लैट विकेट बना दी थी, तो ये बांग्लादेश ने बॉलिंग बहुत अच्छी इसमें कर दी थी, लेकिन अगर सीमी विकेट नेक्स्ट टाइम हुई तो बड़ा मुश्किल होगा। असल बात जो है, बांग्लादेश ने अपना डिसिप्लिन से बैटिंग भी की और बॉलिंग इनकी वाकई ये दफा बॉलिंग से मैं ज्यादा इंप्रेस हूं। तस्किन जो है, तस्किन तो वैसे भी बहुत अच्छी बॉल करते हैं, तो उन्होंने अपना फोकस अच्छा रखा, रेडार और जिस तरह की रिवर्स स्विंग कर रहे थे, दैट वाज सो एक्साइटिंग। आई थिंक वो बादल सैन के वो दो ओवर जिसमें उन्होंने 3 विकेट्स ली, वही टर्निंग पॉइंट था इस मैच का। क्योंकि विकेट इतनी फ्लैट थी कि कोई आपको पेस की जरूरत थी इस विकेट पे बॉल, क्योंकि स्विंग और कुछ भी नहीं हो रहा था, ना स्पिनर कुछ कर पा रहे थे जो कि स्ट्रेंथ है बांग्लादेश की। तो बादल सैन जो है उसका बड़ा डिफरेंस जिस तरह बैटिंग की है पूरी बांग्लादेश की लाइनअप ने, 4 सेंचुरी इनकी तकरीबन रह गई है, तो वो 80s 80s 70s। लिटन डॉस और मुश्फिक तो खैर इतना अच्छा नहीं खेल सके, लेकिन मोमिनल और बाकी जो मोमिनल कितना ज्यादा मतलब पिछले 3-4 टेस्ट से तो वो फ्लॉप हो रहे थे और एकदम आगे इतना बड़ा इतना अच्छा खेला, तो जबरदस्त भाई। अभी बांग्लादेश आपके लिए और सारी दुआएं हैं, और भी बहुत ज्यादा अच्छा करना है नेक्स्ट मैच में, और हो सकता है हु नोस के बांग्लादेश सीरीज भी जीत ले आए। चलो अब हारेगा तो नहीं, ये तो एक बहुत बड़ी होगी कि सीरीज हार नहीं सकते। फर्स्ट वेन ऑन टू टेस्ट ही थे इस सीरीज में, दो ही टेस्ट है सिर्फ, वनडे भी नहीं आएगा, T20 भी नहीं, सिर्फ दो टेस्ट है। वो बहुत हिस्टोरिकल रहेगा अगर दूसरे टेस्ट भी जीत जाए, और जीतना चाहिए, अब तो ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खलबली मच जाएगी। अभी 5th पोजीशन पे आ गए हैं, एकदम जंप किया ऊपर 3-4 पोजीशन, तो हु नोस सेकंड थर्ड पे भी आ जाए। फिर देखते हैं नेक्स्ट कब होता है मैच, और उसका भी रिव्यू करेंगे। फिर आज के दिन टेक केयर एंड बाय बाय।